नेपाली सुपरस्टार अनमोल केसी हुआ गिरफ्तार। दोस्तों अभी अभी नेपाल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है। नेपाली फिल्म के सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्टर अनमोल केसी को 29 सितंबर शाम 5 बजे भक्तपुर के सांगा से गिरफ्तार किया गया है। रावायण नामक फिल्म को लेकर हुए विवाद के कारण एक्टर अनमोल केसी को अरेस्ट किया गया है। दरअसल दोस्तों फिल्म मेकर्स ने अनमोल के अगेंस्ट फ्रॉड करने का FIR दर्ज करवाया था। सुदर्शन थापा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से चंद्रकला कटुवाल ने यह मुद्दा दर्ज करवाई थी। कुछ दिन पहले से ही पुलिस अनमोल को ढूंढ रही थी। किसी ने टिप दिया था जिसके आधार पर ही भक्तपुर के सांगा से उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब बात करते हैं दोस्तों असली वजह क्या है इन सब के पीछे। तो दोस्तों बात यह है कि अनमोल केसी का पिछला कई फिल्म अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, जिसके वजह से वह अपने अपकमिंग मूवी को अच्छे स्क्रिप्ट के साथ करना चाहते हैं, अपने फैंस को एक अच्छा फिल्म देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने फिल्म रावायण साइन कर चुके थे, जिसके लिए उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी ले चुके थे। लेकिन बाद में चलकर अनमोल को लगा कि फिल्म रामायण का जो स्क्रिप्ट है, जो कहानी है, उसमें दम नहीं है, इसलिए उनको यह फिल्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों बात वहीं पर आ जाती है कि उन्होंने फिल्म को करने के लिए साइनिंग अमाउंट 10 लाख एडवांस ले चुके थे, वो भी अपने मोबाइल पर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र करवाए थे। इसीलिए मेकर्स ने फ्रॉड का केस दर्ज किया है उन पर, जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन दोषी है, अनमोल केसी या फिल्म के मेकर्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेपाल से रिलेटेड तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।